Zara Superwoman है, she is a superwoman. But मुसीबत आती है, दोनों सामना साथ करते हैं और यहाँ किस्मत धकेल रही है दोनों को एक साथ जाने के लिए, बट किसी अच्छे कॉज के लिए तो हम चले जाते हैं और वादा करते हैं एक दूसरे से कुछ नाता नहीं रखेंगे. तो वहाँ उस फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर चल रहा होता है, कुछ गैर कानूनी चीज़ चल रही होती है, बस इसलिए. नहीं, मैं गिरी नहीं हूँ, मैं चल रही होती हूँ, मैं गिरने ही वाली होती हूँ कि कबीर बचा लेता है मुझे. सो लेकिन वो मेरा ख्याल होता है, बाद में पता चलता है. लेकिन मुझे लगता है कि ज़ारा इतना ज़्यादा मिस कर रही है, इतना ज़्यादा सोच रही है कि उसके इमेजिनेशन में भी कबीर दिखने लगता है हर जगह, उसकी अच्छी बातें याद आती है. मूव ऑन करना आई थिंक दोनों के लिए बहुत टफ है. फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स जस्ट कीप अ फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज हम से दुआएं कर सकते हैं, आप लोग भी दुआएं कीजिए कि ज़ारा कबीर एक साथ आ जाए. तो बाकी अभी क्या चल रहा है वो यही है कि दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं और याद करते रहते हैं एक दूसरे को, इसलिए इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इमेजिनेशन में भी वही दिखते हैं. सो या थैंक यू. एक्चुअली हाँ, फ्लैशबैक के ज़रिए हम लोग एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं, तो वही हो रहा है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते चाह कर भी. तो फ्लैशबैक, बार बार लोग फ्लैशबैक कहते हैं, मेरा मानना है कि कबीर की रूह एंड ज़ारा की रूह एक दूसरे के रियलिटीज़ में आती है और उनके साथ वक्त बिताती है. और इसके बाद भी एक अच्छा बहुत प्यारा सीन था जो एक मैसेज था बेसिकली कि दुनिया में कहीं भी किसी बच्चे को काम कराना, एम्प्लॉय कराना बहुत गलत बात है. एंड ये इशू टैकल करने को मिल रहा है क्योंकि दिस इज़ अ प्रिवेलिंग इशू इन द वर्ल्ड ऑन गोइंग राइट नाउ कि किड्स डोंट नो एनीथिंग. आप उनको कोई बात की खबर नहीं होती, एंड आप उनको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. एंड वही हो रहा है स्टोरी में, करंट ट्रैक में. एंड ज़ारा कबीर पहुँच गए, धमका दिए साजिद मियाँ भाई, अगर अगली बार ऐसा करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. थैंक यू, चलो. क्यों नहीं थी रिवाइवर, कबीर ने अपना हाथ मार लिया उसको, बट हाथ क्यों मारा? आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस कि मैं देख रही थी कि अब्बा को बचाने के लिए उसने हाथ मार लिया एंड इतनी ज़्यादा लग गई कि पूरा खून बह गया बहुत सारा, तो इसलिए मैं उसको बचाने आई एक इंसानियत के नाते. सो हमने ये भी देखा है कि कबीर और काजी साहब के बीच में थोड़ी बहुत बोल बहुत चलती रहती है, बट तब भी कभी ना उनकी मतलब देखा जाए तो एक रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है. और अब्बा कबीर को नहीं पसंद करते, उनके जेन्युइन रीजंस हैं. उन्होंने कबीर ने अब बेटी के साथ क्या किया है, तो अब्बा आई थिंक कोई भी फादर ऐसे किसी लड़के को पसंद नहीं करेगा जिसने उसकी बेटी को मर्द किया, तो अब्बा का भी वही है, वो नहीं पसंद करते. वो सलाम करते हुए सलाम कर देते, बट उन्हें नहीं पता कि कबीर ने उनको बचाया है, लगने से बचाया है. दोनों अलग हो गए हैं लेकिन प्यार तो वही दोनों के बीच, तो इट्स वेरी जेन्युइन आई फील. थैंक यू, थैंक यू. ओके, कभी आपके हाथ में चोट लग गई है, क्या हुआ? लाइक कील चुभ गई, क्यों चुभी, क्या हुआ आपका? असल में हम एटीएम पे थे और कुछ पैसे विड्रॉ करने थे हमें, और हमने अचानक वहाँ काजी साहब को देख लिया, तो हम पलट के वो जा रहे थे क्योंकि हम काजी साहब का सामना अब नहीं कर सकते. जब भी वो हमें देखते तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें कह देते कि दो दिन तक नींद नहीं आती. तो हम पलट के जा रहे थे और फिर हमने देखा कि वहाँ एक कील पता नहीं कैसे बाहर निकली हुई है, और काजी साहब बार बार उस कील के पास जा रहे हैं. उनको इस बात की खबर भी नहीं कि उनको लग जाएगी, तो अब हम उन बचाने के चक्कर में वो कील हमारे हाथ में फंस गई. बट कहीं ना कहीं ज़ारा और आपकी दूरी के बावजूद भी ज़ारा एक कंसर्न दिखाती है आपको, डॉक्टर के पास लेके जा रही है. जी, मतलब प्यार दिख रहा है आपको इसमें वापस से ज़ारा और कबीर के बीच? देखिए, अंदर ही अंदर हम खुश हैं कि प्यार दिख रहा है, कि जब जब ज़ारा हमसे कुछ बातें कहती है कि नहीं प्यार नहीं है, तो बहुत बुरी, बहुत चोट लगती है. लेकिन हम जानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, जो प्यार दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम उसे अपने आप से दूर कर रहे हैं. हम बार बार जब उसे अपने आप से दूर करते हैं हम मरते हैं, तो बार बार मरने का शौक तो नहीं है ना हमें. थैंक यू सर. आई जस्ट नीड योर चैनल. मैं अभी गाना गा रही थी, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, तो जहाँ मैं जाती हूँ कबीर वहीं चला आता है, और मैं उसको बुला नहीं रही हूँ. वेर एवर आई गो, लाइक एनी वेर आई गो, अभी तो मैं बैंक में हूँ यार, लाइक इतनी
अलग जगह वहाँ भी कभी टकरा जाते हैं, हम लाइक कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, एंड हमारा एक क्यूट सा बैंटर होता है, तो क्या कर सकते हैं अब, डेस्टिनी चाह रही है कि मैं जहाँ जाऊँ वहीं वो आ जाए, वो जहाँ जा रहा है मैं वहाँ जाऊँ। एक्चुअली क्या होता है, हम दोनों के फ़ोन सेम हैं, एक साथ रखे होते हैं, बट हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि फ़ोन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, और मैं कबीर को पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, बिकॉज अगर फ़ोन रिजवान भाई के वकील का आएगा, अगर कबीर को पता चल गई वो बात, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए और आप और आपकी सिस्टर काफ़ी टेंशन में भी लग रहे हैं, कबीर भी आपको पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप रिजवान से देखिए, आप सब जानते हैं कि रिजवान के भाई कैसे थे, उन्होंने कबीर को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मारने की कोशिश की, उन्होंने मेरे सर पे गोली नहीं चलाई। सो आई वांट टू नो कि उन्होंने ये इल्ज़ाम अपने सर पे क्यों लिया, तो इसका सीक्रेट सिर्फ रिजवान भाई को पता है। मैं नहीं चाहती कबीर ये बात पता करे, तो मैं इस बात के बाल के खाल तक पहुँचने के लिए मुझे रिजवान भाई से मिलना होगा। मैं उसे ईद की सिवैयाँ देने नहीं जा रही, एक्चुअली मुझे कुछ बात पता करनी है, इसलिए मैं रिजवान भाई से जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ, लेकिन अगर कबीर को बता दिए तो वो मिलने चला जाएगा, इसलिए आई डोंट वांट कबीर इस मसले में पड़े, तो मैं उसको झूठ बोल देती हूँ। वेरी न्यू एंड गुड अवतार, अगर आपने देखा हो तो, उन्होंने अपने बाल भी, मैं अभी देख रही थी, समथिंग वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग, सो आई होप ही इज़ गोना किल इट। हाँ, असल में ज़ारा की साजिश थी कि हम मम्मी से वापस मिल जाएं, तो बस वही कोशिश थी उसकी, और उसके वो ख़त में वो सारी चीज़ें लिखी थी जो हम भूल चुके थे। इतना सब कुछ होने के बाद होता है ना कि एक इंसान भूल जाता है कि वो एक वक्त था, एक ऐसा दौर था, तो वो ख़त में हमें याद आ जाता है, और हम मम्मी से इमोशनली एक दरख्वास्त करते, मिन्नत करते, गुजारिश करते हैं कि मम्मी, अगर बचपन में आपने हमसे ये दावा किया था कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, तो अब क्यों छोड़ रही हैं? वो कोई नहीं है हमारे लिए, हम नहीं मानते कि जीनत भाभी का ये रिश्ता कबूल करना ना कबूल करना हमारे कोई मायने रखता है, उनकी सोच उनकी है, हमारी सोच हमारी है। नहीं, वो साजिश भी नहीं थी, वो असल में ज़ारा का खेल था। जानती है कि जीनत भाभी थोड़ा कमज़ोर दिल की है, जब मामले पैसे या ज्वेलरी को लेकर आते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा रही थी, थोड़ी नोकझोंक हो रही थी। थैंक यू। मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है, लेकिन कई बार मजबूरियाँ होती हैं, और मुझे वो फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें मेरे अब्बा के रिपोर्ट्स थे, मुझे किसी भी तरीके से वो चाहिए थी, तो कोई और रास्ता नहीं था, कोई सुन नहीं रहा था, और वो फाइल उस गाड़ी में थी, तो मुझे शीशा तोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते बिल की बात करके कहीं टेंशन दिखा के गई। ज़ारा में एक बहुत सही एटीट्यूड है, मुझे लगता है, मुझे बिकॉज उसको पता है, उसने मेरा वॉइस नोट सुना, उसको पता है मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे तब भी देख रहा है ऊपर से, और मैं बोलती हूँ कि ठीक है, जो भी खर्चा हुआ, जो भी नुकसान हुआ, उसका बिल भिजवा देना, मैं दे दूँगी। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों ऐसा कर रही है, क्या कर रही है, मेरा अभी मेन मोटिव है, मुझे अब्बा के लिए वो फाइल चाहिए थे जो मुझे मिल गई, बाकी अभी क्या हो रहा है आई हार्डली केयर राइट नाउ। ओके, थैंक यू। हम एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि हम किसी को बचाएंगे, हम कुछ क्लूज देखने आए थे कि उससे हमें पता चल जाए कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन वो साहब है। तो मकबूल का पीछा करते करते हम लोग आए थे, मतलब नॉट पीछा बट उसके घर का पता चल गया था, तो ज़ारा को ऐसा था कि शायद उसके घर से हमें कुछ क्लू मिल जाए, पर जब हम यहाँ पर आए तो माजरा ही कुछ और है और हम फंस गए वहाँ पर। आज हमेशा हंसने वाली खेलने वाली लड़की आज एक ऐसे चक्र में फंस गई जहाँ उन पर गोलियाँ भी, मतलब हाँ ये तो है, ये तो है। जो अजरा है वो, मतलब वो ऐसी है कि भाई दुनिया जहाँ एक तरफ और वो अपने मस्त मौला में रहेगी, उसे कोई फिक्र नहीं है, बट हाँ उसे ज़ारा की बहुत फिक्र है, जब ज़ारा पे कुछ आता है तो वो एकदम अलर्ट हो जाती है। तो आज भी इस एपिसोड में भी जब ज़ारा आई और बोली कि आधी रात को उसे उठाती है और बोलती है कि हम तुम्हें हमारे साथ चलना है, तो अजरा पूछती नहीं है कि अच्छा सर अभी चलना है ऐसे, तो वो चल जाती, चली जाती है।
तो यहाँ पर जब आती है फिर उसे पता चलता है कि ऐसा सीन हो रखा है यहाँ पे, तो ऑलरेडी कोई किडनैप है. और हाँ, सच में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि किडनैप हो जाएंगे. ये तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है. इस ट्वीट के साथ कि कबीर इस बात से अनजान है, तो आप दोनों इस मुसीबत से निकलेंगे कैसे? वही तो समझ नहीं आ रहा. तो मेन होता है हमेशा जब भी हम या ज़ारा कभी मुसीबत में होती है तो कबीर आ जाता है दौड़ते दौड़ते, पर अब कौन आएगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो ये तो छोटा सा चंक था, अभी तो और भी कुछ होने वाला है, तो उससे हम कैसे निकलेंगे नहीं पता. अच्छा, लास्टली मकबूल के पीछे पीछे आए थे उनकी मम्मी को बचाने, लेकिन क्या हो सकता है कि ये सब के पीछे मकबूल का ही हाथ है? नहीं, क्योंकि मकबूल खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है, हमने एक वीडियो में सुना कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने साहब से. अब ये साहब कौन है ये नहीं पता हमें, तो साहब इट्स पूरी मिस्ट्री का हमें ये एक आप जस्ट बोलोगे जो कि साहब कौन है वो हमें पता करना है. ओके, थैंक यू. क्या बात है, आज कबीर जी से बिरयानी बनवाई जा रही है, थोड़ी खातिरदारी करवाई जा रही है. कबीर बहुत अच्छा कुक है. अगर आप लोग शो पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कबीर के हाथ के खाने में एक अलग ही स्वाद है. तो बट यहाँ मकसद वो नहीं है कि कबीर अच्छा खाना बनाए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कुफारा अदा हो जाए और वो कबीर के हाथों से हो तो अच्छा है, इसलिए उसके पैसों से मैं सामान भी मंगवाती हूँ. अच्छा, पहलवान पासिंग होती रहती है हमारे. करते रहो, तुम्हें करते रहो. अब ये कैसे है कि ज़ारा कबीर की जो भी दूरियाँ थी वो अब नज़दीकियाँ में बरकरार होना? ज़ारा की उम्मीद यही है और मुझे लगता है कि ऐसा कबीर हकीकत जानता है. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पे भी और कबीर पे भी और हमारे प्यार पे भी कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता. तो एक कसम की भी बात कर रही आप सीन में, आखिर है क्या कसम? आपने शो नहीं देखा? कसम कुछ खाई थी कबीर ने. कसम ये थी कि ज़ारा इस घर की चौकट पे, इस घर के अंदर कभी वापस नहीं आएगी. और अगर शादी हो गई और जब मैं मेरी रुखसती होगी तो मुझे उस घर के अंदर जाना ही पड़ेगा, तो वो कसम टूट जाएगी, इससे कुफारा अदा हो रहा है. कबीर एक होते जल्दी एक होते नहीं है, उससे ज़्यादा तो जुदाइयाँ होती है. फिर से जुदा होने जा रहे हैं दोनों आज. क्या ये जुदाई बहुत लंबी नज़र आ रही है. लंबी जुदाई, बहुत गंदा गाती हूँ, खैर मुझे गाना याद आ गया. एक होते जल्दी एक होते नहीं है, उससे ज़्यादा तो जुदाइयाँ होती है. फिर से जुदा होने जा रहे हैं दोनों आज. क्या ये जुदाई बहुत लंबी नज़र आ रही है. लंबी जुदाई, बहुत गंदा गाती हूँ, खैर मुझे गाना याद आ गया. जब आप बहुत ताफ ताफ बोल देते हो कि ठीक है हम रह लेंगे तुम्हारे बिना, यू नो समटाइम्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर पर्सन या अदर पार्टनर आप बोल देते हो, लेकिन जब वो इंसान सच में जा रहा होता है देन यू रियलाइज ओ शिट, नहीं मैं नहीं रह सकती. एक दिन दूर की बात है, कभी दुबई जा रहा है, इसका खुला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केओस है. आई जस्ट डोंट वॉन्ट हिम टू गो, सो आई एम बेगिंग, प्लीडिंग, क्राइंग, जो भी हो पा रहा है मैं कर रही हूँ. क्योंकि वैसे तो खुला आपका ही डिसीजन था खुला करने का, लेकिन अब जब जुदा हो रहे हैं तो जुदाई भी सही नहीं जा रही है. मेरा डिसीजन इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि कबीर मेरे बिना खुश रहेगा, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और बिछड़ने का दुख देखा, तो मुझे लगता है कि नहीं, कि सही डिसीजन नहीं है. ओके, अम्मी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहती है आप दोनों साथ रहें, लेकिन जिस जो इन सब के पीछे जो आप दोनों को अलग करने में लगे हैं शहबाज, जो आपके मुझे इस बारे में कुछ आई नहीं. आई जस्ट वांट कि हम दोनों साथ हो जाएं, वो कैसे भी हो, क्या हो, मुझे उससे मतलब नहीं. तो क्या लगता है, कभी रुक जाएंगे या फिर जुदाई हो जाएगी? फिर जुदाई के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, 70-30 का मार्जिन. तो ज़ारा आई एम श्योर रुकने जाएंगी, कोशिश है, लेकिन कभी नहीं मान रहा, सो मुझे नहीं लगता है दुबई निकल जाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है. किसी को तलाश करती हूँ, आगे सुनिए कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है. हाँ, आई मीन जीना जो है उसके घर में कोई घुसा है और वो बहुत ही सतर्क रहती है बिकॉज शी हैज़ दैट इमेज. तो वो जैसे ही कोई घर में घुसा है तो शी इज़ फाइंडिंग इट आउट कि कौन है वो. ये जीनत को नहीं पता है, जीनत को इस बारे में नहीं पता है, बट एक अनजान लड़की जो है वो घर में घुसी है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसे पता लगा सकूँ कि वो कौन है, क्या करने आई है, किसने उसे भेजा है, बिकॉज हमने तो उसे नहीं बुलाया. सो आई एम जस्ट फाइंडिंग इट आउट हु इज शी. नौबत, सॉरी मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं बहुत तेज़ नहीं बोल सकती, ऐसे फट रही है. सो सॉरी, आई एम नॉट वेल.
लेकिन खुला इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक साल का अंतर आ गया है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं कबीर को आज़ादी की ज़रूरत है. अगर वो मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी मोहब्बत करता तो मुझे एक बार देखने तो आता, मुझसे मिलने तो आता, लेकिन वो नहीं आया. इसका मतलब प्यार नहीं रहा है. और मैं कबीर से, अगर आप कल थे तो मैं कबीर से मिली और उसे पता नहीं था मैं ही हूँ. तो मुझसे बोलता है कि अपने शौहर को अगर आज़ादी देने से खुश देखना चाहते हैं तो आपको उसे खुला दे देना चाहिए. तो मुझे लगा कि शायद यही मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है और उसको खुला देना ही सही ऑप्शन है. लेकिन यहाँ मोदी साहब का भी जो है वो आपको एक महीने की मोहलत दे रहे हैं, उनके जो कंडीशन है कि आप दोनों को फिर एक बार एक साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर ये. देखिए, मेरा मानना है कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म करना एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होती है. सो पूरा एक फाइनल स्टेप लेने से पहले हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए. यू नो, यू नेवर नो कि थिंग्स वर्कआउट कर जाए. बिकॉज जब दो लोग अलग होते हैं तो दो लोगों के साथ दो फैमिलीज भी जुड़ी होती हैं, वो भी अलग होती हैं. सो जस्ट टू गेट अ लास्ट चांस कि मे बी थिंग्स विल वर्कआउट, तो इसलिए एक महीने का पीरियड दिया जाता है कि हो सकता है दोनों साथ में रहें तो बॉन्ड बन जाए. वो सारी गलत फहमियाँ जो हुई एक साल में या जो भी नफरत थी थोड़ी बहुत, वैसे थी नहीं ज़ारा कबीर के बीच, जस्ट पुटिंग ऑन अ फिल्टर की नफरत थी, वो सब कम हो जाए. तो एक महीने साथ रहेंगे लेकिन मुझे लगता है नज़रिए तब भी अलग ही रहेंगे. तो क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद खुला दे देना ही सही बात है. ऑनेस्टली सारा ने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि शायद कबीर को इस रिश्ते से आज़ाद करना सही है. मेरे लिए भी सही है, बहुत बहुत दर्द है अंदर. लेकिन कई बार आपको एक फाइनल स्टेप लेना होता है कि आप भी उस दर्द से थोड़ा आगे जाओ और जो सामने वाला सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी फ्री हो जाए. बिकॉज मुझे लगता है कि शायद कबीर के दिल में मोहब्बत ख़त्म हो गई है और मैं अभी भी उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ. शायद कबीर भी करता है लेकिन वो शो नहीं कर रहा. तो अगर हम साथ रहेंगे भी तो हमेशा नज़रियों को लेकर लड़ाई होगी. तो इस टाइम मुझे यही सही लग रहा है कि खुला हो जाए और ख़त्म करते हैं इसे. तो ये क्या हो रहा है ईशा? वैसे तो दोनों की राहें जुदा हो गई हैं लेकिन फिर भी ख्यालों में रोमांस आज भी जा रही है. हमारी ऑडियंस हमें ज़्यादा देर तक दूर नहीं देख सकती, तो ये उनके लिए थोड़ा सा प्यार है ज़ारा कबीर की तरफ से. एक साल हो गया है ज़ारा कबीर अलग अलग शहरों में है, ज़ारा मुंबई में है, कबीर लखनऊ में है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते जुड़ रहे हैं लेकिन अलग हो रहे हैं. हम आप पास आ ही रहे होते हैं कि राइट लेफ्ट ले लेते हैं, तो इस तरीके से चल रहा है. लेकिन एक पता नहीं क्यों एक क्यूट सा मोमेंट, क्योंकि हम एक फिल्टर, मैं अभी पूरी थी एक फिल्टर लगाया हुआ है, दुनिया के सामने बहुत खुश है, बट डीप डाउन वेस्टर्न हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे के ऊपर देख लें. तो एहसास होता है कि अब कबीर आस पास है, उसे एहसास होता है कि ज़ारा आस पास है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. उसी टाइम उसे एक फ्लैश आता है कि ज़ारा और कबीर जो कपड़े हैं उनके साथ में है. तो वो फ्लैश हमने थोड़ा नाइस रोमांटिक मोमेंट्स थे. ओके, वैसे आपकी छोटी बहन नुसू, उनको किडनैप कर लिया गया था अमान के साथ में, और हर बार की तरह देखिए कबीर यहाँ पे भी हीरो बनकर आपकी बहन को बचा लाए. नुसू को किडनैप कर लिया गया, और ये क्वेश्चन तो पूछ चुकी थी ना, सॉरी नुसू को किडनैप कर लिया गया अमान के साथ में, लेकिन हमेशा की तरह कबीर एक हीरो बनकर फिर आ गया और उन्हें बचा लिया. बिल्कुल, मुझे तो पता भी नहीं नुसू गई कहाँ, मुझे लगता है खो गई, फिर पता चलता है किडनैप कर लिया. और मैं जब तक कबीर है नहीं है उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैं सिर्फ नुसू के लिए इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मिल जाती है. ओके, तो क्या होने वाला है आगे? मतलब ये जो हमेशा आप लोग टकरा करके बिछड़ जा रहे हैं, मिलना भी नहीं हो पा रहा है, तो कैसे क्या होगा? फैंस इंतजार करते रहते, एक दिन भी आपकी जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट ये वेट वर्थ द वेट होगा. थोड़ा वेट करिए, इंतजार कीजिए, ज़ारा कबीर आएंगे, पास आएंगे, जरूर आएंगे. ओके, लास्टली ईशा आपसे पूछेंगे, ये लुक इस बार का काफी अलग है और बहुत ही प्रिटी, मतलब एक डॉल की तरह ऊपर फ्रॉक पहनाया है, नीचे मतलब ये पजामा टाइप जो भी है, बहुत ही डिफरेंट. इट इज वेरी कम्फी, लाइक आई विल टेल यू ऑनेस्टली, वो बाकी जो कॉस्ट्यूम्स थे वो सब बहुत स्क्रीन पे अच्छे लगते, बट वो बहुत भारी थे. आई एम नॉट किडिंग, मेरी वेस्ट में ऐसी लाइन बन गई, क्योंकि लहंगे 4-4 kg के होते तो पूरा वेस्ट पे आता था. ये इतने हल्के हैं, सो रिलैक्स्ड है, सो लाइट, एंड आई लव दिस हेयर स्टाइल, इट इज़ सो नाइस. मुझे ऐसे बहुत पसंद है, ऐसी दो ब्रेड्स बनाई अगर आप ध्यान से देखें तो. सॉरी, मैं बीमार हूँ तो मैं उठ नहीं रही हूँ.
I'm not very nice. Thank you so much. तो ये बड़ा light सा look है, मुझे बहुत प्यार लग रहा है, nice light colors. Thank you so much. कौन सा sequence आप कौन सी sequence की बात करें? अच्छा कभी पहले भी जाया कभी भी रिश्ता होगा संजय बोल के मटर को लेके रहा हुआ वाला भी देखे असल में शरिया बोर्ड एक सिर्फ एक एनालॉजी माना जाएगा ज़ारा की सोच और नज़रिए के लिए, क्योंकि ज़ारा का सोच और नज़रिया जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते वो शरिया बोर्ड के ज़रिए बाहर आता है, और सेम चीज़ उसको हमें लगता है कि उसको हमसे कोई तकलीफ है नहीं वैसे, ना हमको ज़ारा से, बस हमारी जो नज़रिए की टकरार है वो शरिया बोर्ड के थ्रू बाहर आती है, एंड इसलिए हमेशा हमारे रिश्ते में जो दरार आती है वो शरिया बोर्ड के थ्रू। मैंने कितने अच्छे उर्दू वर्ड बोले ना अभी, उर्दू इज इम्प्रूविंग। हाँ सॉरी हाय कबीर, कहीं कहीं एक डर कबीर के मन में बैठ गया है जो फ्लैशबैक का सीन था जिसमें आप सोच रहे लोगों के बीच में, वो ज़ारा का डर था असल में, पर आपने सही कहा कि क्या डर है आपके मन में, क्या बैठ गया जो आप सपनों में देख रहे हो? रिश्ता ख़त्म होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं वो एक पार्ट होता है रिलेशनशिप का, लेकिन रिश्ता ख़त्म कर देना मतलब दो लोगों का अलग होना एक बहुत पेनफुल बात होती है और एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं लड़के के लिए भी। बट कबीर के वो कसम खाने के बाद जब उसने कुरान पाक पर कसम खाई उसके बाद ज़ारा को बहुत डर लगने लग गया कि कहीं कबीर ने अगर रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा, तो वो डर है जिसके जो नाइटमेयर्स बन के आ रहे हैं। नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ज़ारा कबीर हमेशा एक साथ ही रहेंगे, तो आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, फिलहाल हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में बहुत उथल पुथल चल रही है ज़िंदगी में, थोड़ा आगे हो जाओ आप। थैंक यू। तो किस बात के लिए आप इन्हें कन्विंस कर रहे हैं, और बहुत ही अलग वे था वो कन्विंस करने का, सो उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए एक इंसान को अपना अपनी सोच उसके ऊपर फोर्स करना इज़ हार्ड, इवन दो आप किसी भी खूबसूरत तरीके से उसे समझाने की कोशिश करें, मगर अगर आपने एक इंसान को उसके अंदर से ही एक जवाब निकाला तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन दैट टू देम, तो वही मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ, धूप में एक पॉइंट जताता हूँ कि तुम्हें भी धूप लग रही है मुझे भी धूप लग रही है, करेक्ट, बोथ आर ह्यूमन बींग्स, इस्लाम ने दोनों को बराबर का हक दिया है, बट उसको गर्मी ज़्यादा लग रही है एंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मुझे लग इतना नहीं प्रॉब्लम है, तो वही समझाता हूँ कि मैन एंड वेमेन आर नॉट इक्वल, एंड आई बार बार यही कहता हूँ कि साइंटिफिकली बायोलॉजिकली वे नॉट इक्वल, सो उसे वही समझाता हूँ बायोलॉजिकली वे नॉट इक्वल। ज़ारा इसके बाद वेटिंग फॉर नाउ ज़ारा'स रिस्पॉन्स के वो क्या एग्जाम्पल सेट करेगी कि हाउ वी आर इक्वल, एंड इफ अगर हम इक्वल नहीं हैं तो क्यों नहीं है, क्या बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कबीर कुछ ऐसा करेगा, मुझसे नाराज़ है मैं जानती हूँ, लेकिन ऊपर ले जाके इतनी धूप में बिठा देता है और धूप बहुत तेज़ लग रही है, आई थिंक मेरे कपड़े भी इतने हैवी हैं। लास्टली मैं जानना चाहूँगी, कल इन्होंने कहा था अगर आप सरिया बोर्ड गई तो आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, सो उसके बाद ज़ारा क्या करने वाली है, क्या कुछ चलने वाला है? जी ज़ारा जी बताइए। मैं सस्पेंस रखना चाहूँगी, मैं लास्ट में आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे शरिया बोर्ड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक तरफ कौसर है एक तरफ मेरा रिश्ता है और दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो क्या होगा मुझे नहीं पता।